अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि कुदरत के कानून को जो है बरोएकार लाते हुए न्यूम सिटी को जो है तैयार किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, और यकीनन वो उस हवाले से कारामद और मुफीद भी होगा लोगों के लिए। तो बात यह कि कुदरत का कानून तो हर जगह मौजूद है, तो क्या किसी और जगह को भी जो है इसी तरह कारामद और मुफीद बनाया जा सकता है? जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, और क्यों नहीं कर सकते हम। कुदरत ने बेनिफिट जब सब जगह दिए हैं तो सिर्फ आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखें, ये एनर्जी किसी ने भी नहीं बनाई है, ना इसराइल ने बनाई है, ना ये किसी भी मुसलमान ने या किसी भी मजहब मसलक के लोगों ने नहीं बनाई है। ये परवरदिगार ने सबको बराबर दिए हैं बेनिफिट। हजरत इंसान का काम ये कि हाउ टू यूज़, उसके दिए हुए नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, हाउ टू यूज़, कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमारा काम है। हम बहसत इंसान जो अशरफुल मखलूकात, उसने हमें ये दर्जा दिया है, इसी वजह से दिया गया है कि उसने जो कायनात डिज़ाइन की है उससे तुम जितने बेनिफिट्स ले सकते हो हमें लेने चाहिए। अब जो इसके लिए जितनी मेहनत करेगा, कुरान के अंदर भी इस आयत का कहीं जिक्र है, मुझे उसकी उर्दू याद है, कि जिस इंसान ने जिस काम के लिए जितनी कोशिश की हमने उसको उतना दिया। तो वहाँ न्यूम सिटी का जो बनने का जो मकसद है वो नेचुरल बेनिफिट्स और एनर्जी के ज़रिए काम करते हैं। सिंध इंटरनेशनल जो है, ये मेरा इदारा जो है, ये हम इसी बेस पे यहाँ काम करते हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने शहर को मजबूत किया है, अपने घरों को मजबूत किया है, अपने घरों को मुस्तकम किया है, उनको पहले मतलब कुव्वत दी है उन्होंने, पहले वो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, अपने फाइनेंशियल पोजिशन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आवाम को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग किया इस एनर्जीज को यूज़ करते हुए। ऐसे घर उन्होंने वहाँ डिज़ाइन किए हैं, वहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल डिज़ाइन किए हैं उन्होंने, वहाँ पे जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इसी सिस्टम के तहत कुदरत के दिए हुए नेचुरल बेनिफिट्स के ज़रिए उन्होंने अपने घर डिज़ाइन किए हैं, वहाँ उन्होंने अपने हॉस्पिटल डिज़ाइन किए हैं, वहाँ उन्होंने अपने इल्मी दरसगाहें, आप यहाँ से वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। हम पाकिस्तान में अपने यहाँ भी ऐसी जगहें बना सकते हैं और वो बेनिफिट्स पूरे ले सकते हैं। हम चाहें तो अपने यहाँ हम ऐसे घर, ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसी दरसगाहें बना सकते हैं कि जो टॉपेस्ट बच्चे वहाँ से बन के निकल सकते हैं। ऐसे हॉस्पिटल डिज़ाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे पेशेंट्स की रिकवरी की तादाद ज़्यादा बढ़ सकती है। ये सारा मेटाफिजिकल टेक्निक है जो परवरदिगार ने सबको बराबर दिया है। बस बात ये कि वो इस पर एक्ट कर रहे हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं, वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं और उसको उसके फ़ायदे ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन सारे उलूम पे अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया, तो वी शुड भी हम कर सकते हैं और डेफिनेट हमें आता है। और ये सिंध इंटरनेशनल का ये एक बुनियादी मकसद भी है और ये एम भी है कि इंशाल्लाह ऐसी जगहें यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे।